बट द आइडिया वॉज आई जस्ट थिंक दैट आई ऑल्सो मेड दैट मिस्टेक इन द लास्ट स्टार्टअप. मैं बहुत ज्यादा पॉलिश कर रहा था और रिलीज कम कर रहा था. सो हॉस्टल के अंदर आई वॉज वेरी श्योर कि बॉस इस तारीख में अब कर देना है, जितना होगा हो जाएगा, बाद में इम्प्रूव करते रहेंगे. ठीक है, एंड वील हेयर द कस्टमर एंड वील इम्प्रूव. So hello everyone, today I have with me Dharamveer Singh Chauhan. So he's CEO and co-founder of Jostel. I think everybody knows what Jostel is, but I'll give a brief background what Jostel is. So Jostel is India's largest branded hostel chain. I think Jostel has made travel very convenient and easy for youngsters in India. And I think it's a pioneer in creating a solo traveling culture also in India. I think now if you are confused where to go for a vacation, just go on Jostel website. Search for the different hostels they have and just select one, because they have already selected best places in India and continues to expand. So I will listen to how Jostel started, what was the journey behind it, what was the idea behind it from the founder itself. So thanks Dharamveer for joining the show. Thanks Adan for inviting and kind introduction as well. And you rightly said, matlab humne लेजर ट्रैवलर, बजट लेजर ट्रैवलर, यंग ट्रैवलर, उसको फोकस करके सारी प्रॉपर्टीज बनाई है. सो देयर यू कैन रियली गो एनीवेयर. दे आर बहुत सारी ऐसे हॉस्टल्स हैं जो पहले टूरिस्ट डेस्टिनेशन नहीं रहे होंगे, बट आफ्टर ओपनिंग अप ऑफ हॉस्टल दे हैव बिकम अ गुड हब फॉर स्पेशली बैकपैकर्स एंड यंग ट्रैवलर्स. सो धनवीर, हाउ डिड यू गेट एन आइडिया ऑफ स्टार्टिंग हॉस्टल्स? मतलब व्हेनेवर यू स्टार्ट एनीथिंग स्टार्टअप और कुछ भी कंपनी स्टार्ट करो, यू आइडेंटिफाई व्हाट आर द प्रॉब्लम्स देयर इन द सिस्टम, अभी क्या प्रॉब्लम एंड यू वांटेड टू सॉल्व दोस. व्हाट व्हेन डिड यू स्टार्ट एंड व्हाट प्रॉब्लम्स डिड यू थिंक है अभी इधर यहां पर? नहीं मतलब एज आई सेड जोधपुर से हूं मैं, तो आई हैव ऑलवेज सीन राजस्थान में बजट होटल इंडस्ट्री, ट्रैवल इंडस्ट्री एक तरीके से ही चल रही. आई हैवंट रियली सीन व्हेन, मतलब मैं पैदा हुआ तब से लेके मतलब लेट्स से 20 इयर्स तक कुछ अलग ही कुछ आ गया हॉस्पिटैलिटी में. इट वाज ऑलवेज स्टैंडर्ड 5-star होटल होता है, 4-star होटल होता है, 3-star होटल होता है, 2-star होटल होता है, एंड इट वॉज वेरी एक्साइटिंग फॉर मी. मेरे को भी ऐसे बोरिंग ही लगती थी इंडस्ट्री. एंड यू आर फ्रॉम ऑल्सो राजस्थान, सो यू नो दैट एवरी सेकेंड थर्ड पर्सन इज एसोसिएटेड इन टूरिज्म इंडस्ट्री, वेदर गाइड और ट्रैवल एजेंट और कैब और समथिंग. ठीक है, एंड वॉट हैपन्ड वॉज आई वॉज वेरी लकी. इन माई थर्ड ईयर ऑफ इंजीनियरिंग कॉलेज आई गॉट एन इंटर्नशिप इन जर्मनी, एंड देयर इज अ प्लेस कॉल्ड एज कार्लसरुए इन सदर्न पार्ट ऑफ जर्मनी. तो वहां पे जब मैं इंटर्नशिप कर रहा था तो 3 महीने के लिए, 3.5 महीने के लिए वो यूरेल पास था जिससे आप कहीं भी ट्रैवल कर सकते हो. तो मैं हर वीकेंड अलग अलग कंट्री जाता था. यूरोप, पूरा यूरोप अपने इंडिया से बराबर ही है या छोटा ही होगा शायद इंडिया से, या ऑलमोस्ट बराबर, एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाने जैसा ही है अगर आप बोल रहे हो यूरोप घूम रहे, राइट? तो मतलब पूरा यूके जो है वो शायद राजस्थान से छोटा ही है ओवरऑल, राइट? तो एनीवेज जर्मनी से मैं ट्रैवल करा अलग अलग कंट्रीज, एंड उसके अंदर आई रियली पहली बात तो मतलब नए लोगों से मिलके बहुत ज्यादा कल्चरल एक्सपोजर, हाउ दे थिंक, हाउ वी थिंक, अपने क्या बायसेस हैं, उसके ऊपर काफी ज्यादा आई फेल्ट वेरी लिबरेटेड. यार आई विल प्रोबेबली कंटिन्यू टू डू स्टूपिड थिंग्स, क्योंकि इंडिया में काफी प्रेशर रहता है आपके ऊपर सोसाइटी का ना, कि मतलब आपको इंजीनियर ही बनना है, डॉक्टर ही बनना है और जॉब होनी होनी चाहिए. और बाहर वैसा सीन नहीं है. बाहर मतलब कई बार आदमी बोल रहा है आई एम फिगरिंग आउट व्हाट टू डू इन लाइफ, which is very difficult to answer in India. India, आप 20-22 साल में ये नहीं बोल सकते, I'm figuring out. ठीक है, 10 साल में भी बोलना tough हो जाता है. मैं तो शायद when I was 11 years old, मैं तब से answers दे ही रहा हूँ that I want to be an engineer, etc. I don't know, आजकल के बच्चे क्या कर रहे हैं. And तो I just, when I traveled across, तो उसके अंदर I obviously, stayed at railway stations, I slept at beaches, got lost a lot of places, did a lot of couch surfing. तब couch surfing भी होता था. And also stayed at backpacker hostels. So backpacker hostels, as a young Indian male, matlab apna, nobody even in Western country will even understand my name. If I tell Dharamveer, matlab 4 baar to naam hi batana padega, kisi ko samajh nahi aayega, aapko DV bolna padega. Theek hai ki yaar, ki it's DV, you can call me DV, that's how it works. And backpacker hostels ke andar, it was a very cozy environment in common room. That it was very easy to make friends, it was very easy to talk with other people and therefore do that sort of cultural exchange, jiski koi ek direct value nahi hai. Matlab hamesha hi main hotels ko is tarike se dekhta tha, ye kamra hai, kamre ke paise de rahe hain, right? Ye kamra hai, iske 1500 dene hain, 2000 dene hain. And backpacker hostel was fundamentally yaar ki this is not boss about money, it is about meeting new people, it's about making new friends, and uske upar koi keemat rakhna is very difficult. I honestly had this epiphany
कि यार कि भले ही आज से 10 साल बाद, और शायद उस बात को 10 साल हो गए, ये 2011 की बात है, आज 2021 हो गया है, ठीक है. एंड आई रियली फेल्ट यार कि 10 साल बाद इवन इफ आई कैन अफोर्ड टू स्टे इन अ 5-star होटल, आई वुड रादर स्टे इन अ बैकपैकर हॉस्टल एंड मीट न्यू पीपल. एंड यू नो इसीलिए तो अपन ट्रैवल करते हैं, नए लोगों से मिले, बातें करें, समझे. एंड तो उसी आइडिया के साथ आई केम बैक टू इंडिया 2011 के अंदर. इट वाज माय फोर्थ ईयर, आई जस्ट केम बैक एंड आई थॉट यार इसको कीप क्यों नहीं है इंडिया में, ऐसा होना तो चाहिए इंडिया में, कैसे करें. एंड देन स्लोली आई गेन्ड करेज टू रियली गिव इट अ स्ट्रक्चर कि यार पैसे लगेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे. तो दैट वाज द ओरिजिनेशन ऑफ आइडिया. एंड देन आई गॉट लकी, आई गॉट सम मनी फ्रॉम समवेयर एंड आई पुट इट इनटू बिल्डिंग द फर्स्ट हॉस्टल. सो वेयर डिड यू स्टार्ट योर फर्स्ट हॉस्टल, एंड मतलब वो मॉडल क्या फॉलो हुआ था, लीज या ओनरशिप करना? नहीं नहीं, इन जोधपुर आई ऑल लीज यार. मतलब शुरू में तो कुछ हो नहीं सकता था, तो यहाँ जोधपुर के अंदर ही, बल्कि मेरे पेरेंट्स ही एक होटल चला रहे थे, तो उसके ऊपर ही मैंने एक रूफ टॉप उनसे लीज पे लिया 18,000 पर मंथ के ऊपर ही. यार आई विल पे यू 18,000, अब पूरी प्रॉपर्टी तो अपन ले नहीं सकते थे. एंड आई गॉट सम मनी फ्रॉम विनिंग इन पोकर. आई गॉट अराउंड $10,000 इन विनिंग अ पोकर टूर्नामेंट फ्रॉम $10 टू $10,000 ओवरनाइट. सो आई टुक, मैंने सारे पैसे ले लिए, मैंने कहा पोकर वोकर में बहुत कमा लिए, अब वापस स्टार्टअप करेंगे. मैंने पहले भी एक स्टार्टअप चला के बंद किया था. एंड वो मतलब बैकपैकर हॉस्टल में तो किसी को कुछ पता नहीं था क्या होता है कैसे होता है. मेरे 5 लाख रुपए थे, मैंने कहा अभी चालू करते हैं हॉस्टल बनाना, ठीक है. एंड बहुत ही नॉर्मल तरीके से आज भी है वो, अब मतलब थोड़ा म्यूजियम टाइप हो गया है. यहाँ पे पोलो ग्राउंड के ऑपोजिट ही है हमारा पहला हॉस्टल जो है जोधपुर में. एंड उसके अंदर हमने खुद ही ने, आज भी आप देखोगे तो उसमें डॉर्म्स जो है उनके बड़ी दीवारें नहीं है, वो लकड़ी के फट्टे जो से होते हैं ना, दो लगा लगा के, मतलब बहुत ही सस्ते में मतलब हमने दीवारें बनाई, हमने कॉमन रूम बनाया, हमने बाहर का एरिया बनाया, किचन बनाया, वॉशिंग एरिया बनाया, और बस बनाया पूरा अपने हिसाब से जैसे बेस्ट हो सकता था, और फिर उसको स्टार्ट कर दिया. और इसी टाइम पे जब बना रहे थे तो मेरे जितने भी अच्छे फ्रेंड्स थे उन लोगों को मैंने रीच आउट करा कि यार ये करते हैं, इस टाइप से करते हैं. एंड दो को-फाउंडर अपने फुल टाइम जॉब छोड़ के आए बैंगलोर से, मेरे IIT के फ्रेंड्स, और कुछ और जो फ्रेंड्स थे IIM में, उन लोगों ने बोला हमें भी करना है साथ में. तो जिसके पास जितने पैसे थे, कहीं 20,000, 25,000, 1,00,000, सबने थोड़े थोड़े पैसे और हमने पूल इन करे, और जोधपुर भी बनाया, फिर जयपुर भी बनाया. दो हमने बना दिए फटाफट, बना दिए दो हमने बना दिए 3-4 महीने में. अगस्त 2013 में मतलब हमने दोनों प्रॉपर्टी लाइव कर दी. एंड फिर बस फिर उसके बाद हम चिल्लाने लगे कि यार इंडिया का फर्स्ट बैकपैकर हॉस्टल बनाया है हमने, बहुत अच्छा बनाया. तो इंडियंस तो कोई नहीं आते थे, बट फॉरेनर्स जितने भी थे दे रियली लव्ड अस, तो वही ज्यादा है. एंड देन ग्रेजुअली अच्छे रिव्यूज रहे, ब्रांड रहे, हमने बहुत फोकस रखा उस वाले पे कि वाइब अच्छी होनी चाहिए. इट शुड बी पॉसिबल टू मीट अदर पीपल, इट शुड बी पॉसिबल टू हैव अ सेफ एनवायरमेंट. एंड जस्ट तो इस तरीके से फिर स्टार्टेड ऑफ जोधपुर, जयपुर, फिर उदयपुर, राजस्थान से स्टार्ट किया था. ऑल्सो मतलब कभी भी कोई हॉस्टल यू हैव स्टार्टेड, यू वुड हैव कुछ फाइनेंशियल मॉडल क्या होगा कि हाउ व्हाट बी द इकोनॉमिक्स ऑफ द बिजनेस, तो वो कैसे आइडेंटिफाई करते थे कि ये अल्टीमेटली ये प्रॉफिटेबल होगा? हां मतलब देखो यार, सिंपल तरीके से देखा जाए तो हम देखते थे यार कोई भी नॉर्मल रूम है, ठीक है, कोई नॉर्मल बजट होटल का रूम है, तो आप उसको अपन लगाएंगे 1,000-1,500 में लगेगा वो रूम, ठीक है. अब हम ये कह रहे हैं कि यार ये एक नए तरीके का रियल एस्टेट है ये, मतलब शेयर्ड इकोनॉमी में दिस वाज आल्सो द फर्स्ट थिंग. मतलब आप तो कोवर्किंग है, को लिविंग है, बट उस टाइम पे तो पहली बार ये शेयर्ड रियल एस्टेट का कॉन्सेप्ट लाए थे हम इंडिया में. तो अब उसी एक सेम बजट रूम में जो 1,500 में लगता है, उसके अंदर अगर हम 4 डॉर्म बेड लगा दें तो 8 डॉर्म बेड हो जाते हैं. और हमारी प्राइसिंग थी कि 500 एक ऐसा प्राइस पॉइंट है इन द स्टार्टिंग यार की कोई भी आदमी नॉर्मल अच्छे तरीके से रह सकता है, थोड़ा तो बजट में फायदा ही है इसी में. एंड इफ यू आर अ ट्रैवलर जिसको कमरे में टीवी नहीं देखना, जिसको कमरे में नेटफ्लिक्स नहीं देखना, जिसको ऐसा कुछ नहीं है कि बाथरूम शेयर कर सकते हैं, तो इट विल बिकम अफोर्डेबल फॉर यू. एंड फ्रॉम द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, उस सेम कमरा जो 1,500 रुपए कमाता है, उसमें 500 × 8, 4,000 का पोटेंशियल है, ठीक है. कि आप उसमें अगर फुल 100% ऑक्यूपेंसी कर दोगे तो 4,000 रुपए भी आप कमा सकते हो बैक ऑफ द एनवेलप. ऐसा नहीं है बहुत कि भाई आगे फ्यूचर इक्विटी ऐसे होगी ऐसा होगा, बैक ऑफ द एनवेलप एक सिंगल प्रॉपर्टी में कैसे कर सकते हैं. और बस ये हमने एक्सपेरिमेंट चालू करा, और फिर हमने अपनी शीट्स में ऑब्जर्व करते थे कैसे चलते थे. तो हमारा जो 18,000 का किराया जाता था वो एक मेन एक्सपेंस होता था, ठीक है. इतना ही आप मान लो बिजली का, मतलब 8-10,000 का बिजली का, 8-10,000 का थोड़ा सा और जो भी यूटिलिटीज लग रही हैं, सामान, टॉयलेट पेपर, सोप्स एक्सेट्रा, उतना खर्चा हो जाता था, ठीक है. और वो मान लो 20 डॉर्म बेड का था हमारा, तो हमारा पर डे का पोटेंशियल 10,000 था. एवरेज कम ऑक्यूपेंसी रहती थी तो भी 4,000 कमा लेते थे, 10 बेड लग गए, 8 बेड लग गए. तो मतलब कि बहुत अच्छा मार्जिन, मतलब ऐसा मार्जिन जो रियल एस्टेट में देखा ही नहीं हो. 50% मार्जिन पे चलती थी सारी प्रॉपर्टीज. और आज भी सारे बैकपैकर हॉस्टल्स दे रन ऑन वेरी गुड मार्जिन. मतलब आज की तारीख में हमारे खुद के, चलो भाई
55-60 प्रॉपर्टीज है कंट्री में, बट हमारे अलावा शायद 1000 और हॉस्टल्स हैं इस वक्त. जब हमने चालू करा था तो 0 हॉस्टल्स थे, राइट? और वो 1000 हॉस्टल्स कोई आदमी ऐसे ही पैशनेटली नहीं चला रहे कि यार हॉस्टल है हम भी चला लेते हैं. वो पैसा कमा रहे हैं सब, ठीक है? वर्ल्ड इज कैपिटलिस्ट, ठीक है? सब लोग पैसा कमा रहे हैं, इसलिए हॉस्टल्स चल रहे हैं. इसलिए वी टुक द फर्स्ट टाइम बोल्ड करेज किया कि ये भी मॉडल होता है. और जैसा कि इंडिया में होता भी है, कोई और अच्छा करता है आपको लगता है तो आप भी चाहते हो कि उस टाइप से उसको आगे करें. तो बहुत लोगों ने हॉस्टल चलाया एंड वी आर वेरी हैप्पी कि यार आज इतने सारे हॉस्टल हैं, अब कोई भी आदमी इजीली इंडिया में एटलीस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है कि यंग लोग ट्रैवल कर सकते. वरना तो आई डोंट नो हाउ ओल्ड यू आर, मतलब लेकिन मेरा जो कॉलेज था उस टाइम पे यंग लोगों के पास ट्रैवल करने का कोई स्कोप नहीं होता था सिद्धांत का, ठीक है? सिर्फ हम गोवा हुआ की बातें करते थे. मैं बनारस में पढ़ाऊँ, ठीक है, कलकत्ता में पढ़ाऊँ मैं, तो भी कोई ऐसा नहीं कोई बीच में कोई यंग लोगों की जगह भी है. यंग लोगों का कुछ नहीं है, वो कल्चर भी नहीं था उस टाइम ट्रैवलिंग का, एंड प्लस प्लेसेस भी नहीं थे, तो एंड प्लस अगर एक्सपेंसिव भी पड़ता था. सो नाउ यू बिकॉज़ पीपल वांटेड टू ट्रैवल, तो लोकेशन रूम में नहीं स्पेंड करना है, वी हैव टू स्पेंड ऑन द एक्सपीरियंस ऑफ आवर, मतलब वहां पर क्या कर रहे हैं, राइट? दैट वाज इंपॉर्टेंट. अपन लोग जाते भी थे फ्रेंड्स साथ में, तो भाई अपना खुद का ग्रुप हो गया, बट अपन ने कोई सस्ते गेस्ट हाउस में रुक गए, कमरे में रुक गए, फिर बाहर घूम रहे, बट नए लोगों से तो मिल ही नहीं पा रहे हैं. इट इज वेरी क्रीपी, ठीक है? कोई भाई दूसरा फ्रेंड सर्कल घूम रहा है, उनसे आप कैसे बात करोगे, कर ही नहीं सकते. तो हॉस्टल में क्या है कि यार यू फाइंड लाइक माइंडेड पीपल, और अकेले तो आपने वैसे भी नहीं सोचा था अकेले तो क्या जाऊंगा, तो अब वो अकेले भी जाता है. सोलो ट्रैवलिंग हैज बीन स्टार्टेड बिकॉज हॉस्टल्स अवेलेबल है, यू कैन मीट न्यू पीपल ओवर देयर. तो कल्चर भी अभी वंस हॉस्टल्स आर प्रेजेंट इन इंडिया, तो वही कल्चर स्टार्ट हुआ यहां पर. आल्सो यू हैव स्केल्ड फ्रॉम 1-2 हॉस्टल्स इन जोधपुर जयपुर, देन स्केल किया. First of all, how did you scale, like, and then वो property select करना, what the location should be very important, मतलब कहाँ कहाँ जा रहे हो, अपन select कर रहे, experience. हाँ, हमारी काफी learning हुई हमारी, ठीक है? तो जैसे पहला hostel चालू करा, ठीक है, तो हम लोग बहुत ही strategic तो थे ही थे कि यार business करना है, ऐसा कोई normal ऐसा नहीं है कि बस चालू कर दिया धंधे type कर दिया, बस पैसे कमा लिए जेब में भर लिया. हमारा था यार proper business करेंगे, scale करेंगे अच्छे से, ठीक है? एंड तो जैसे ही हमने ये पहला जो हॉस्टल था, हम ऑब्जर्व सब करते थे, as I was saying, मतलब हमारे पास में आज भी एक्सेल शीट होंगी कि हमारे लोहे के कितने पैसे लगे, बंक बेड बनाने में कितने पैसे लगे, मजदूर को कितने थे, वेरी वेल डॉक्यूमेंटेड कि भाई कल को प्लेबुक बना रहे हैं, ठीक है? अपन सब कहते हैं ना प्लेबुक बना रहे हैं बिजनेस, तो वो सब बहुत अच्छे से करते थे. फिर उसके साथ में क्या है कि ऑब्जर्व करा कि भाई क्या वीकनेस है, क्या है बिजनेस में, क्या चीजें की हैं. तो हमने ये आइडेंटिफाई करा कि यार बैकपैकर हॉस्टल में 4 चीजें की हैं पिलर्स टू सक्सेस ऑफ अ गुड हॉस्टल. द वन इज कि भाई सबसे पहले लोकेशन ही है, ठीक है? क्या लोकेशन शुड बी एट अ प्लेस जहाँ पे कोई ट्रैवलर आ रहा है. तो जैसे यहाँ वाली हमने हॉस्टल चेंज करके अब हमारा सिटी में हॉस्टल है जोधपुर में, ठीक है? वो इसीलिए क्योंकि यार यहाँ से ट्रैवलर को वहां तक जाने में मान लो ऑटो में ही 50 रुपए लग रहे हैं, ठीक है, बैकपैकर को, और फिर बार बार आना जाना पड़ रहा है. तो यहाँ पे एक अलग टाइप का आ सकता है कोलिविंग टाइप का, बट जो प्योर ट्रैवलर फोकस है वो हमने सिटी में शिफ्ट कर दिया, ठीक है? तो वी आइडेंटिफाइड लोकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रैवलर को लगे कि यार कि जो पुराना शहर है जहाँ पे टूरिस्ट फ्रेंडली है, जहाँ पे वो शॉपिंग करेगा खाएगा पिएगा, उससे जितना क्लोज रखो उतना अच्छा, ठीक है? तो वी वर वेरी पर्टिकुलर कि लोकेशन अच्छा होना चाहिए. देन देयर वाज वैल्यू फॉर मनी, कि जो भी है अपन, ऐसा नहीं सस्ता होने की जरूरत है बट उतना होना चाहिए, ठीक है? देन वाज सिक्योरिटी सेफ्टी और हाइजीन, ठीक है? सिक्योरिटी सेफ्टी, लड़कियां आ रही हैं कोई भी आ रहा है तो आप एक गार्ड है, आपका एक लेवल पे स्टैंडर्ड है, और हाइजीन इज वेरी इंपॉर्टेंट, वॉशरूम्स आर क्लीन, एवरीथिंग इज क्लीन, ठीक है? कोरोना नहीं भी था तो कोरोना में सब सेम हो गया, हाइजीन इज टॉप नॉच, ठीक है? बट ये पिलर्स ही रखे हमने हमेशा. और पहले 7-8 प्रॉपर्टी हमने खुद ही ने लीज पे ली, खुद ही ने चलाई 8 प्रॉपर्टीज तक, दिल्ली में भी बनाई, आगरा में भी बनाई, उदयपुर में भी बनाई, गोवा में भी बनाई, ये अपने पूरे इधर रीजन में बनाई हमने, बनारस में भी बनाई थे. एंड इसमें पूरा यही था आइडिया कि यार पहली हमने फंडिंग भी रेज कर ली थी, जब हमारे 3 हॉस्टल हो रहे थे तो हम काफी बिजनेस प्लान कॉम्पिटिशन में जीतते थे 2014 में, तो हमने करीब करीब 5 करोड़ रुपए की फंडिंग उस जमाने में $1 मिलियन की हमने रेस कर लिए थे, और हॉस्टल ने आज तक उतने ही पैसे रेस करे, बस हमने वो $1 मिलियन ही रेस करे. उसके बाद से हमने दूसरे बिजनेस बनाए, जो रूम्स बनाया उसमें हमने बहुत मिलियंस ऑफ डॉलर्स रेस करे, वो अलग से बिजनेस बनाया, बट हॉस्टल के अंदर हमने पिछले 6 साल से कोई एक्सटर्नल कैपिटल रेज ही नहीं करा, ठीक है? हमने बस वो पहले जैसे ही वो $1 मिलियन लिए, उसे 7-8 खुद की लीज पे बना ली, मॉडल प्रूव कर दिया सब कुछ, और फिर इमीडिएटली हम लोग चले गए फ्रेंचाइजी डायरेक्शन में, जिसको हमने बोला यार What we really wanted was कि we never wanted कि यार कि सब हम ही को प्रॉपर्टी चलानी है और यही बेस्ट होता है. We wanted to build an ecosystem in which we wanted to give participation to other people who can do this. This is not rocket science, but मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है? हम ये चाहते हैं कि यार जो difficult चीजें हैं, मान लो कल को कि app based travel कैसे होगा, लोगों की booking online कैसे होगी, कैसे connect करेंगे, वो सब expertise हम रखना चाहते हैं.
ठीक, हम उसमें और इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उसमें और बिल्ड करना चाहते हैं, बट जो भी प्रॉपर्टी चलाने में एक्सपर्टीज है, हम चाहते हैं कि हम जितने ज्यादा लोगों को उसमें ट्रेन कर पाए। ठीक है, हमारे पास में सारे SOPs रहते हैं, कैसे प्रॉपर्टी लॉन्च करनी है, कैसे बनानी है, क्या करनी है। तो ग्रेजुअली फिर देन वी स्टार्टेड मूविंग टुवर्ड्स गिविंग फ्रेंचाइजीज, एंड वी एक्चुअली गॉट, इवन आज पिछले 2 साल में मेरे पास में 5,000 फ्रेंचाइजी एप्लीकेशन है, 5,000। ठीक है, एंड ईच ऑफ दिस पर्सन वॉन्ट्स टू इन्वेस्ट एनीवेयर बिटवीन 25 लाख to 5 करोड़ यार, कि मेरे को लगाना है, मेरे को हॉस्टल बनाने हैं। अब 5,000 में से हमने तो आज तक सिर्फ 50 ही बनाए हैं, या जो भी आप कह लो 60 बनाए हैं, राइट। एंड द रीजन इज कि यार वही जो अपन बात कर रहे हैं कि यार की लोकेशन अच्छी नहीं है तो रिजेक्ट करना पड़ता है। ठीक है, लोकेशन अच्छी नहीं है, ये सिटी में अभी हम नहीं जा सकते, ये आदमी इतना ट्रैवल फर्स्ट नहीं है, ये सिर्फ पैसे के लिए कर रहा है, या इसके पास में पैसे नहीं है। तो हम लोग बहुत ज्यादा फिल्टर करते हैं, ठीक है, उसके बाद में कोई एक बेचारा कोई बचता है जिसको हम फ्रेंचाइजी के अंदर साथ में काम करते हैं, वेरी हैंडपिक्ड। तो आज तो हमारी सारी प्रॉपर्टीज फ्रेंचाइजी हैं, सारे अच्छे ओनर्स हैं, सब हैंडपिक्ड हैं, एंड वी आर वेरी कनेक्टेड, मतलब सारे ओनर्स हमारे साथ में, दे आर विद द ऐप या फिर विद आवर स्लैक, वन क्लिक पे दे कैन टॉक विद अस, वी टेल देम यार ये कंप्लेन आ रही है, ये अच्छा नहीं है ऑप्स में। सो ग्रेजुअली वी हैव मूव्ड from self-management to a franchisee base and built all the tools required. जो जो बीच में हमें लगा यार ये सब जरूरी है उन लोगों की भी help के लिए, franchisees ढंग से ground operations के लिए, और हमारे लिए भी यार हम इनको से कैसे coordinate कर पाए, कैसे observe कर पाए, क्योंकि लोग करना चाहते हैं अच्छा, बट सबसे गलतियां होती है तो guidance करना पड़ता है यार, ये सुधार लो, ये staff अच्छा नहीं है, इसकी training करा लो। तो that's how we are gradually moved. So what's new brewing up in Jostel now? Because we can see now the culture of travel, now it's rising. A pandemic ho raha hai, toh beech-beech mein, whenever people are getting time, toh chalo bahar chal ke aata hai. Even I got time, I went to Leh Ladakh. So now, now people have realized ke yaar, kaam toh kahin se bhi ho sakta hai. Now you work from home hai, toh koi bahar jaake bhi kaam kar raha hai. And I've seen lot of people going to Manali ya Leh Ladakh mein jaake, baith ke, wahan par kaam kar rahe hai. So are you seeing that shift, wo shift dikh raha hai ke travel people will like to travel more than before? Now, we have always believed that, you know, you should travel and you should slow travel. Aap aisa nahi hai ki weekend pe travel karke aa jao. Aap weekend pe kahin jaake aaoge, aapko kuch samajh nahi aayega, aap bas photo khinch ke aa jaoge. So we have always preferred ki yaar aap aadmi 2 hafta travel kare ek jagah pe, kam se kam ruke. Ab 2 hafte aadmi ruk hi nahi sakta kyunki job hai, wapas jana padta hai, etc. So we are very happy ki work from home ka jo trend hai ki yaar aap genuinely aadmi travel kar sakta hai, wo local environment se एक, मतलब मैं तो एज आई सेड अर्लियर आल्सो यार कि आई ऑनेस्टली फील कि ट्रैवल में एक स्पिरिचुअल जर्नी है, इट इज नॉट जस्ट कि मस्ती कर ली, बाहर की फोटो खींच ली, एक मतलब इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, आदमी को सेल्फ रियलाइजेशन भी होता है यार कि मैं हूँ कौन। ठीक है, मैं मतलब यू कैन हैव योर फेक इमेजेस विद योर सेल्फ, यू कैन बी डिस्टॉर्टेड विद योर ओन रियलिटी। तो ट्रैवल से आदमी थोड़ा दूसरे लोगों से मिलता है, बात करता है, कम्स क्लोजर टू यू नो योर सेल्फ। एंड तो इसी पे ही मतलब कि what we have understood is care ki obviously works ye long term stays वगैरह, internet bahut acha karna hai sari properties mein, humne kara bhi hai, humne sab jagah pe ISPs bhi best laga diye hain, thoda sa networking infrastructure bhi aur better karne ke liye kar rahe hain sab jagah pe. Other than that chalo bhi physical side mein to sab chal hi raha hai. Where we are even more in the new scheme of things is care ki how do we become everyone's, like first of all the challenge was ki yaar achhi property nahi thi to aadmi kaise travel karta. Now we know ki yaar properties hain achhi, एंड वी वॉन्ट टू प्ले अ डीपर रोल इन द इकोसिस्टम की आदमी को निकलने से लेके वहां तक पहुंचने में जो बाकी की भी एंजाइटीज है, यू नो, विच माइट इवन सिंपली बी यार की एक कैब कैसे होगी, या वहां पे पैराग्लाइडिंग कैसे होगी, वहां पे किराए पे बाइक कैसे मिलेगी, ठीक है, कहाँ पे मिलेगा, कौन अच्छा आदमी मिलेगा। सो वी आर गोइंग डीपर इन टू द इकोसिस्टम, एंड ये जो बाकी के भी ट्रैवल इकोसिस्टम के अंदर लोग हैं, बी इट फूड, बी इट ट्रैवल, बी इट एक्सपीरियंस पार्टनर्स, वी आर ब्रिंगिंग देम इन टू द जो इकोसिस्टम, यार कि आप भी जो के पार्ट बनिए, जो फ्रेंड्स हैं, वी आर, वी हेल्प अदर पीपल ट्रैवल टुगेदर, और वहां पे वी आर डिजिटाइजिंग इट एज वेल एज ब्रिंगिंग आउट मोर ट्रांसपेरेंसी। मतलब ऐसा नहीं है कि लोग अच्छी सर्विस नहीं कर रहे हैं, देर आर पीपल हु आर डूइंग गुड सर्विस, बट ये भी साथ में कि देर आर चीटर्स ऑल्सो। सो लेमन्स एंड ऑरेंजेस हम सेपरेट करना चाहते हैं, यार कि दीज आर गुड पीपल, दे डिजर्व टू बी पेड मोर, एंड इफ दे आर बैड पीपल यू शुड इम्प्रूव योर सर्विस टू बिकम अ पार्ट ऑफ द इकोसिस्टम। तो हमारे हिसाब से यार यही तरीका है, एक एक छोटे छोटे लेवल पे अच्छा करेंगे ना तो इंडिया की पूरी इमेज अच्छी होगी, राइट। एंड वी वॉन्ट टू मेक इट ईजी फॉर द वर्ल्ड टू ट्रेवल इंडिया, ठीक है, मतलब एवरीबडी वॉन्ट्स टू कम टू इंडिया बट दे आर अफ्रेड यार कि इंडिया में चोरी हो जाएगी, आई विल बी मग्ड, और इवन वर्स आई विल गेट सम डायरिया और मेडिकल इश्यूज एक्सेट्रा। And how do you really improve your image? You know, ऐसा नहीं है कि बस कैंपेन चलाने से हो जाएगा, ग्राउंड लेवल पे
हर आदमी जब पूरे इंडिया में वी वॉन्ट टू बी दैट कंपनी के बॉस, यू कम टू इंडिया, यू ट्रेवल विद जो जोस्टल एंड यू कैन ट्रेवल एज लॉन्ग एज यू वॉन्ट एनी वेयर यू वॉन्ट इन द कंट्री एंड वी गिव यू अ सेफ वैल्यू फॉर मनी, यू नो, हाइजेनिक, ग्रेट लोकेशन, ग्रेट एक्सपीरियंसेस एंड यू कैन ट्रेवल फॉर मंथ्स. आई एम वेरी होपफुल, जो अपन अभी ट्रेंड बात कर रहे थे ना कि यार की पीपल आर गोइंग टू मनाली एंड वर्किंग, सो आई एम रियली होपफुल कि जब इंटरनेशनल ट्रेवल अब ओपन होगा, सो आई एम होपफुल कि यार की पीपल फ्रॉम द वेस्ट दे विल कंटिन्यू टू वर्क एंड ट्रेवल इंडिया फॉर मंथ्स. यार की आई एम ट्रेवलिंग थ्रू इंडिया फॉर 3 to 6 months व्हाइल आई एम वर्किंग वेर एवर आई एम वर्किंग. सो आई एम वेरी एक्साइटेड दैट जैसे अभी वर्क फ्रॉम हिमाचल है, वैसे ग्लोबली इंडिया कैन बिकम अ यू नो वर्क फ्रॉम इंडिया काइंड ऑफ अ थिंग, बिकॉज इंडिया इज वेरी अफोर्डेबल. आप अगर $2,000 भी कमा रहे हो तो इंडिया में तो आप राजा की तरह रह सकते हो, और $2,000 आज की तारीख में रिमोटली कमाना एक वेस्टर्नर आदमी के लिए कोई मुश्किल नहीं है. आपकी कोई भी जॉब हो, इवन इफ यू वर्क अ कपल ऑफ आवर्स फ्रीलांसिंग एवरी डे, यू कैन मेक दैट अमाउंट ऑफ मनी, एंड विद दैट अमाउंट ऑफ मनी इन इंडिया यू कैन ट्रैवल लाइक अ किंग. So let's see. I'm very optimistic about India's larger future. India में इतना travel अभी आए नहीं है. मतलब there are 7 million people who are all inspired by India. They all have met Indians. They want to travel to India, but they haven't traveled to India. You know, we have a very small share of global travel as compared to let's say Europe or even Vietnam में आजकल ज़्यादा लोग जा रहे हैं. Thailand ज़्यादा लोग जाते हैं. जितने पूरे India में लोग उतने नहीं आते जितने लोग Bangkok चले जाते हैं. So I think we can improve and it's good for everybody. Also, you have done a lot of other startups also, before starting Jostel. So you had failures in that. What were your learning and then how did you apply ki ab Jostel mein ye galtiyan nahi karni hai? Yaar, matlab wohi fir maine Jostel mein bhi starting mein kafi galtiyan kari jo ab mujhe lagta hai ki wo nahi karni hai, aage nahi karni hai. Maine beech mein aur bhi startups kare. Mera jo pehla startups the tech wale jo the, usme main kafi akela tha. Theek hai, matlab ki I was a ceramic engineer, very tech first. I was a solo co-founder. Theek hai, solo founder hi bolo, co bhi kya bole, solo founder tha main. To maine प्रोडक्ट बनाता था, रिलीज करता था. तो इस टाइम पे मुझे बहुत ये लगा कि यार शायद मैं अकेला था और मैं थक गया, इसलिए मेरा स्टार्टअप बंद हो गया. आई रैन इट फॉर 3.5 years, फिर आई वाज़न्ट एबल टू मेक अ लॉट ऑफ मनी, इट वाज़ गेमिंग स्टूडियो. तो मुझे लगा कि यार कम से कम यहाँ पे ये होना चाहिए क्या कि आई डोंट इवन केयर कितने भी को फाउंडर्स हो, बट दिस शुड मटीरियलाइज एंड मूव फॉरवर्ड. एंड मतलब क्योंकि हॉस्टल को भी काफी टाइम हो गया, उसके बाद भी मैंने और स्टार्टअप्स करे हैं तो और भी लर्निंग हुई. बट देन अनदर वन लर्निंग वॉज दैट many times it happens and I know, you know, many people even today have this and, you know, even I think, but anyways, what really happens is ki aap kuch bhi bana rahe hote ho, toh you don't release it. Theek hai, aapko ye lagta hai ki, you can hear me kya Siddhant? Yeah, I can. Okay. Yeah, so I was just saying ki, yaar, ki when you make something, because then that becomes your baby, already that, you know, have made this chart or project or this hostel. And then what happens is ki you want to polish it. क्या ये उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि आपको तो उसके अंदर कमियां पता ही होती है. ठीक है, देन यू डोंट रिलीज इट ऑन टाइम टू द पब्लिक. ठीक है, आप सोचते हो और अच्छा कर लूँ इसको, और अच्छा कर लूँ, फिर ले जाऊंगा, ये कमी है. तो आप उसमें क्या टाइम वेस्ट होता रहता है. ठीक है, और फिर आपको ये चाहिए कि यू हैव टू रिलीज इट एज सून एज पॉसिबल. ठीक है, सो दैट नाउ देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ MVP वगैरह. 10-11 साल पहले था नहीं इतना डिफाइंड सब कुछ ना, अब तो बहुत कॉमन हो गया. बट द आइडिया वॉज आई जस्ट थिंक दैट आई ऑल्सो मेड दैट मिस्टेक इन द लास्ट स्टार्टअप. मैंने बहुत ज्यादा पॉलिश कर रहा था और रिलीज कम कर रहा था. सो हॉस्टल के अंदर आई वॉज वेरी श्योर कि बॉस इस तारीख में अब कर देना है, जितना होगा हो जाएगा, बाद में इम्प्रूव करते रहेंगे. ठीक है, एंड वील हियर द कस्टमर एंड वील इम्प्रूव. तो दैट्स ऑल्सो वन थिंग विच वॉज डिफिकल्ट टू रियली रिलीज समथिंग दैट यू नो हैज फ्लॉज. ठीक है, आपको पता है इसमें गलतियां हैं, बग्स हैं, बट आपको फिर भी उसको पब्लिक करना है. यू हैव टू लेट इट गो, यू हैव टू बी नेकेड, यू नो, इन फ्रंट ऑफ द पब्लिक. Take ownership of your project and then continue to improve it in public. So, you know, that's also, I think, one learning I'll give to new entrepreneurs. Agar apne channel pe naye log hain to. Iterations ho sakta hai, but product launch karo market mein. Haan, launch karo na, matlab phir, matlab Zuckerberg ne bhi bahut bol hi diya hai, move fast, break things, etc. So, matlab aap karo, phir uske baad mein usko sahi karte raho, but public karo fatafat, jitna ho sakta. Also, like now you are in the startup ecosystem, now you've scaled it. So you, what do you think about the future of startups in India? Like, I think you have been in this ecosystem for a long time, and now you would be angel investing in a lot of other startups also. So what do you see it? How you are seeing the future of now? Like now, in last 8 months, there has been 19 unicorns in India because they are raising money. But what do you think about this culture? Right. Yeah, I think matlab ki काफी golden period. Actually, मैं क्या है कि पहली बात तो globally भी startup boom चल रहा है. ठीक, आई हैव फॉलोड सिलिकॉन वैली ऑल्सो, यू नो, ओवर द लास्ट 12 years, मेनी ईयर्स. सो अब वो उस लेवल पे आ गया है कि यार कि पहले 10 बिलियन का अगर उनका IPO हो जाता था तो बड़ी बात होती थी. ग्रुपॉन,
जिंगा, ये 2011-12 के टाइम के, 12-13 के टाइम के, ठीक है। और अब आप देख रहे हो मतलब पॉइंट बेस आ रहा है तो 100 बिलियन, एयरबीएनबी आ रहा है तो 100, तो 10x हो गया है वहां पे, ठीक है। इंडिया के अंदर भी 10x हो गया है, पहले अपने यहाँ पे जैसे 1 बिलियन पे भी, इट शुड बी इंटरेस्टिंग टू सी जो इन्फो एज ने कब आईपीओ करा, मेक माई ट्रिप ने कब आईपीओ करा, ठीक है। और अब अपन ने जो जोमेटो का आईपीओ से जो एक बोल्डली जो पूरा का पूरा चालू हुआ है, तो अब अपन भी एक नेक्स्ट लेवल पे आ गए हैं कि 5-10 बिलियन के रेंज में अपन खेल रहे हैं, ठीक है। और बाहर में जो नॉर्मल लोग हैं वो 100 बिलियन पे आईपीओ कर रहे हैं, बट जो पेरेंट कंपनीज हैं, जो बॉस फैंग है, वो तो ट्रिलियन पे पहुंच गए हैं, ठीक है। उसमें भी लोग 2 ट्रिलियन तक पहुंच गए हैं, ठीक है। तो वहां पे भी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, ठीक है। उसी का आपको ट्रिकल डाउन यहाँ पे भी दिख रहा है। नाउ आई रियली थिंक कि इंडिया में जो कल्चरली इतना ज्यादा, अब मेरे ख्याल से हर 3-4 घर में तो एक एस्पिरेशनल स्टार्टअप का आ ही गया है, कोई लड़का होगा, कोई लड़की होगी जिनको होगा यार हम भी अपना स्टार्टअप करते हैं। तो आई एम वेरी एक्साइटेड, हालांकि थोड़ा सा मैं डिस्कनेक्ट हूँ, लाइक इन द सेंस कि मेरे पास में इमीडिएट नहीं है लोग जो अभी 11th-12th में ही है, जिनका मेरे को जानना है कि क्या माइंडसेट चल रहा है। बट आई एम होपफुल कि यार जैसे हमारे टाइम पे तो पूरा ही रहता था यार कि बस कैसे भी IIT में हो जाए, ठीक है, या फिर कैसे भी IIM में हो जाए, वहां से जॉब लगेगी और व्हाटएवर। आई एम होपफुल कि यार कि इंडिया में चलता पैसा ही है, ठीक है। तो वो 1 करोड़ का जॉब ऑफर से ज्यादा अच्छा है कि आदमी ये सुने यार ये IIT तो गया बट इसने तो यार 500 करोड़ कमा लिया या 5000 करोड़ कमा लिया। तो आई थिंक उस एस्पिरेशन में बहुत लोग आएंगे, ठीक है। एंड आई एम एक्साइटेड, मतलब उससे फिर देखते हैं आगे क्या चलता है। सो आई थिंक अभी जैसे 50,000 से 60,000 स्टार्टअप है इंडिया में डिफाइंड, ठीक है। आप मान लो यार चलो 50-60 हजार है, तो आई थिंक कि अगले 10 साल में ये कम से कम भी यहाँ से 20x से इवन 100x तक हो सकते हैं। मतलब 1 मिलियन, मतलब 10 लाख स्टार्टअप तो कहीं भी नहीं गए यार। मतलब 50,000 इज वेरी नेग्लिजिबल नंबर एंड आई थिंक इट इज वेरी लेस राइट नाउ, ठीक है। आई थिंक यहाँ से 20x करना कि यार कि कम से कम इंडिया में 10 लाख स्टार्टअप, तो 1000 में से एक आदमी का तो स्टार्टअप हो, ठीक है। अब 100 करोड़ है अपन, 150 करोड़ है, तो 1 करोड़ स्टार्टअप होने चाहिए टेक्निकली तो, बट 1 करोड़ से पहले 10 लाख तक पहुंच जाते हैं कि कम से कम 10 लाख स्टार्टअप हो। और फिर समझने वाली बात यह है कि जब आप यहाँ पे आओगे स्टार्टअप में, तो आपको समझ आएगा यार कि पूरी कैपिटलिस्ट दुनिया चल कैसे रही है। इट इज नॉट जस्ट कि यार आपको वेंचर टाइप ही स्केल करना है, ठीक है। आप भी CEO, आपको पता है यार कि हर जगह पे इक्विटी की आप वैल्यू बना सकते हो, ठीक है, नॉर्मल तरीके से कर सकते हो। आप नॉर्मल बिजनेस भी चला रहे हो अपने यहाँ पे, कोई कचोरियां भी बेच रहा है, कोई कुछ भी हो रहा है, तो आप पहली बात आप एक उसी में आ रहे हो, डिफाइंड इकोनॉमी में आ रहे हो कि यार कम से कम ब्लैक से पहली बात GST भरते हुए ऑर्गेनाइज बिजनेस में आते हैं, ताकि अपन आगे और इक्विटी की भी वैल्यू ले पाए, एक लॉन्ग टर्म प्लान बना पाए, रेदर देन जस्ट कैश फ्लो बिजनेस, ठीक है, कि यार कि कैश फ्लो पे हो गया बस, पैसा आ गया जेब में चला गया। तो आई थिंक वो माइंडसेट भी पूरा चेंज हो रहा है। सो आई थिंक अभी ग्लोबली भी वो स्टार्टअप बढ़ेगा, इंडिया में बहुत ज्यादा बढ़ना चाहिए इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है। आई थिंक एंड आई एम ऑलवेज अंडर एस्टिमेटेड, आई थिंक मतलब मेरे को जितना लगता है फास्ट ग्रोथ होगी, जबकि मेरे को लगता है कि बहुत फास्ट होगी, उससे भी हमेशा और फास्ट ग्रोथ होती है, ठीक है। तो आई थिंक बहुत ज्यादा इंडिया में अभी और स्टार्टअप बढ़ेंगे, इट्स अ ग्रेट टाइम फॉर यू नो पीपल टू कम एंड ग्राइंड इट आउट। और अभी तो वैसे भी जॉब अपॉर्चुनिटीज कम हो गई है मार्केट में बिकॉज ऑफ कोरोना एक्सेट्रा, तो इवन फोर्स्ड एंटरप्रेन्योरशिप इज गोइंग टू बी देयर एंड इट्स गुड ओनली, ठीक है। और जैसे अपन कर भी रहे हैं कि यार हिंदी में Tier 2, Tier 3 के अंदर पीपल विल बी एबल टू प्लग द पीसेस, यार ये अच्छा ये कंपनी ऐसे होती है, अच्छा एंजल इन्वेस्टमेंट ये होता है, अच्छा शेयर ऐसे होते हैं, अच्छा टर्म शीट ये होती है। अभी तो सबको बेसिक सीखना है, okay. है ना, okay. अभी तो बेसिक सीखना है, आप भी चीज सिखाई रहे हो उस चैनल से, तो दैट्स वेरी हेल्पफुल। Also, so a lot of people would be watching your video who want to maybe start something on their own. What would be your advice to them? One, you said that यार वेट मत करो, प्रोडक्ट लॉन्च है तो लॉन्च करो, यू कैन चेंज इट। What other advice you think you will be able to give now? मतलब जितने ज्यादा यंग हो आई वुड सजेस्ट कि कर लो, अगर आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं है। अब ऐसा नहीं है कि आप 1 करोड़ की जॉब छोड़ के कर रहे हो, ठीक है, और एक लेवल के बाद ऐसा हो ही जाता है। अगर आप IIM से निकल चुके हो तो आपको पता ही है कि मैं अगर स्टार्टअप अप कर रहा हूँ तो मतलब 70-80 लाख 1 करोड़ की हो सकता है, जॉब छोड़ के कर रहा हूँ तो आपको वो एक अलग एक्सपीरियंस है, राइट। तो मैं क्या है कि कॉलेज के फर्स्ट ईयर से स्टार्टअप मैंने चालू कर दिया था। मैं कॉलेज के अंदर फेस्ट में इंटरेस्टेड नहीं था, कॉलेज के प्लेसमेंट में इंटरेस्टेड नहीं था, तो बहुत टाइम था मेरे पास कॉलेज में स्टार्टअप करने का। सो आई रियली थिंक आपको अगर स्टार्टअप करना है और आप यंग आदमी हो स्पेशली, तो आप पहले फटाफट स्टार्ट कर दो, क्योंकि बाद में मुझे ये समझ आया कि यार स्टार्टअप करते हुए बहुत सारी ऐसी लर्निंग होती है, जैसे को फाउंडर है, जैसे हायरिंग है, जैसे पोस्ट डालना है, हायरिंग का फॉर्म है, लोगों की ऑनबोर्डिंग है, ठीक है, क्लियर विजन है, टाउन हॉल है। अब ये सारी चीजें क्या है कि कोई सिखाता नहीं है, ऑल राइट। जस्ट लाइक आप ड्राइविंग की भी थ्योरी पढ़ लोगे, भाई ड्राइव करोगे तो ही ड्राइविंग समझ आएगी। और स्टार्टअप भी यही है कि आपको अगर स्टार्टअप करना है, कुछ भी करना है, तो आप कर लो स्टार्ट, ठीक है। आप बोल क्या जा रहे हो, आप बोल दो कि मैं स्टार्टअप कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब आपको नेक्स्ट स्टेप तो करना पड़ेगा ना,
ठीक है, तो आपको बहुत लर्निंग होगी, ठीक है, आपको स्टार्टअप चले ना चले, आपको स्टार्टअप चलाते कैसे हैं, स्टार्टअप के बारे में सोचते कैसे हैं, वो सारी चीजें समझ आएंगी एंड इट इज परफेक्टली फाइन. ठीक है, लॉट ऑफ माय फ्रेंड्स यू नो दे हैव बीन इन स्टार्टअप, फिर स्टार्टअप मान लो फेल हो गया, गए कहीं पे जॉब करने, आप स्टार्टअप के बाद में जॉब पे जाते हो तो आपके बहुत आज की तारीख में बहुत अच्छी रेपुटेशन है, पीपल आर विलिंग टू गिव यू गुड रोल्स. That might be कि आप नॉर्मल IIT से जा रहे हो उससे हो सकता है 4-5 साल आगे के जॉब मिल जाए आपको. ठीक है, बिकॉज यू हैव लर्न सो मच एंड इफ यू कैन डिलीवर, यू नो इट्स वेरी मेरिटोक्रेसी ड्रिवन है, आप डिलीवर कर रहे हो तो आप ले सकते. सो आई थिंक मतलब इट्स लॉजिकली ऑल्सो इट मेक सेंस, आप स्टार्टअप करो, फेल भी होता है तो भी अच्छा है, और आप पैसे कमा लो जॉब में, फिर बाद में वापस स्टार्टअप कर लेना. ठीक है, अब जेफ बेजोस भी तो अब वापस स्पेस में जा रहे हैं. ठीक है, तो दीस थिंग्स कीप हैपनिंग, ऑलरेडी यू जस्ट हैव टू कीप लर्निंग ग्रोइंग, और डरने का नहीं है, स्टार्ट करो, फिर यू नो दे रीच आउट टू यू, रीच आउट टू मी, बहुत लोग हैं जिनसे आप हेल्प लोगे, करोगे, आपको आएगा समझ में. और हर एक की जर्नी स्पेशल है, हर एक की जर्नी अलग है, वो आप ही को समझने के अपने हिसाब से बनानी है. बट इट्स गोइंग टू बी वेरी एक्साइटिंग जर्नी, इट्स गोइंग टू बी सेल्फ डिस्कवरी जर्नी, ऐसे ही कुछ नहीं बनता है. ठीक है, बहुत मेहनत करनी ही पड़ती है और वो उस जर्नी पे ही समझ आएगा. जस्ट आई लर्न, थैंक्स थैंक्स, इट्स वेरी एनरिचिंग. Thanks, Dharamvir, so much. So I had these many questions only. I think viewers would have got something to learn today. Thanks everyone for watching. Okay. And I'll be keep coming with new interviews, like whatever in India we have, and we'll share the knowledge with everyone. Thanks, Dharamvir. Absolutely. Thanks, Adan, for having. It was fun. And hopefully, sabko maza aaya. Aur baaki questions aayenge, to we will try to answer both. Kabhi agli baar hai na. Theek hai. Okay, Sidhant. Nice, nice talking. Have a good day. Thank you.